हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेटिंग ऑल। इस वीडियो में यार क्यूएनए पार्ट टू है। ये आपकी क्वेरीज जो आई हैं उन्हें जल्दी से डिस्कस करूँगा, बहुत जल्दी जल्दी, और कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएं, कुछ रह जाएंगी तो उन्हें नेक्स्ट वीडियो में या फिर उनके इंडिविजुअली रिप्लाई कर दूँगा। और इंडिविजुअली रिप्लाई मैं करता रहूँगा, जिनका नहीं कर पाता उन्हें मैं ले लेता हूँ इस क्वेरीज में। बाकी आप कमेंट्स करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो इस वीडियो को पूरा देखें। बस यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है। कुछ वीडियोस पे कमेंट्स आ रहे हैं कि कोई स्टूडेंट पूछता है, यानी कि उसकी परसेंटाइल कम आती है, कोई कॉलेजेस पूछता है, तो कहीं प्राइवेट उससे यार आता है कि इस पे व्हाट्सअप करें या इस पे ईमेल भेजें, इस वेबसाइट पे जाएं, या इस पे आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ये प्राइवेट कॉलेज वो, तो यार ऐसा ना करें, उस कॉलेज पर ना जाएँ, उस पर कॉल ना करें। वो मीडिएटर्स होते हैं जिन्हें आप हिंदी में दलाल जो कहते हैं, कमीशन लेते हैं वो, और वो आपको बेकार कॉलेज में धकेल देंगे और आप उनके चक्कर में पढ़ के बर्बाद हो जाओगे। तो ऐसे कॉलेज में नहीं जाना यार, तो बहुत दिमाग से काम लेना है, उनके चक्कर में नहीं आना है। मैं ज़्यादातर तो मैं ब्लॉक कर देता हूँ, फिर भी कुछ रह जाते हैं तो आप ध्यान दिया करो। वो ज़्यादातर इससे आते हैं, कैरियर काउंसलिंग और कॉलेज काउंसलिंग, काउंसलिंग के नाम से होती है उनकी आईडी, और मैसेज आते हैं और नंबर जरूर देते हैं वो अपना नंबर या फिर ईमेल आईडी वगैरह, तो उनके उसमें नहीं आना है। तो बस मैं डाउट्स स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आया, किसी पैप ने भेजा है, प्लीज़ मेक ए प्रेफरेंस लिस्ट ऑफ ऑल चॉइसेस टू बी फिल्ड इन जोसा फॉर 1 CS 2 IT 3 EC बाय एवरेज पैकेज। तो ये कहना चाह रहे हैं कि प्रेफरेंस लिस्ट बनाई जाए कॉलेजेस की, 1 CS 2 IT 3 EC तो बना देंगे, देखते हैं, बाय एवरेज पैकेज। तो मैं बनाऊंगा, मैं कह रहा था। नेक्स्ट आया आकिब खान, आई गॉट ऑलवेज गुड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर चैनल, थैंक्स, कैन यू प्लीज़ क्लियर माई डाउट, फर्स्ट गॉट 440K CRL रैंक जनरल कैटेगरी फ्रॉम दिल्ली रीजन एंड वन ऑफ माई, यार ये पूरा नहीं आ पाया। आप दोबारा कमेंट कर देना, मैं आपको इंडिविजुअली रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं, अनुराग झा ने भेजा है, किसी ने PWD 61.10324% in 12th में 52% है, 61% है एनी गवर्नमेंट कॉलेज एनी स्टेट। यार आपको अपनी स्टेट बतानी थी तो मैं आपको कॉलेज बताऊंगा, आप कमेंट करके स्टेट बताना पहले, क्योंकि आपकी 52% आई है तो आप NIT वगैरह में एलिजिबल नहीं है, नहीं तो आपको काफ़ी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। देखो PWD की कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाली है, बहुत बहुत कम, ये समझो आपको फ्री में कॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट है, मैं राजस्थान से हूँ, JEE मेंस में मेरे 86% आया है, 12th क्लास में 77 जनरल से, कौन सा कॉलेज करूँ एंड कौन सी ब्रांच। देखो सबसे पहले तो राजस्थान से तो आप स्टेट काउंसिलिंग में तो आपको बैठना ही है, बाकी आसपास जिन स्टेट काउंसिलिंग में बैठना चाहते हो उनमें, और राजस्थान की और राजस्थान के सारी स्टेट्स की मैं कॉलेजेस दूंगा, प्रोवाइड करूंगा, उसमें आपको पता चलेगा। बाकी आप जोसा काउंसिलिंग में बैठिए अच्छे से, और NIT IIT ज़्यादातर कोशिश कीजिए, आप अपने स्टेट का जो आपका NIT जयपुर जो है उसमें ट्राई करिए, देखते हैं फिर क्या होता है। नेक्स्ट है प्रभात बेहरा, सर मेरा 71.9 लाई है, मैं SC कैटेगरी से हूँ, होम स्टेट छत्तीसगढ़, मुझे NIT रायपुर मिलेगा। तो NIT रायपुर बहुत टफ है, बहुत टफ, यू कैन ट्राई। देन सर, आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का चाहिए, सेंट्रल का? तो कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप दिल्ली में कोई कॉलेज भरते हो किसी और स्टेट से, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आप OBC हो तो OBC लगेगा, SC हो तो SC लगेगा। लेकिन आप हो UP के MP में भरते हो तो आप जनरल में जाओगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, तो वहाँ आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दिल्ली में आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, और किस कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, आपको नेशनल वाले सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, स्टेट वाले की नहीं। नेक्स्ट है अभिषेक सहगल ने पूछा है, सर रैंक 56,029 CRL 6,70,090, सर कौन सा कॉलेज में लेंगे, कमेंट में अपनी स्टेट बताना जब बताऊंगा मैं। देन सर, कैन आई गेट एडमिशन NIT पटना विद 88% JEE मेंस फ्रॉम स्टेट बिहार इन स्पेशल राउंड? हाँ मिल सकता है, स्पेशल राउंड में मिल सकता है, ब्रांच की मैं कह नहीं सकता, ट्रैक कीजिए, और बाकी स्टेट काउंसिल में तो बैठिए ही। नेक्स्ट है विशाल विजय ने सेंड किया है, 88.7% विद EWS, कैन आई गेट जयपुर MNIT? हाँ मिल सकता है, ट्राई कीजिए, अगर आप जयपुर राजस्थान से ही हैं तो और स्टेट कोटा और मिलेगा, और स्पेशल राउंड में बैठना फिर ना मिले तो बाकी आप रीप में जो राजस्थान की होती है काउंसिल उसमें जरूर पार्टिसिपेट करिए। नेक्स्ट सर, उड़ीसा की कॉलेज, ठीक है उड़ीसा का भी प्रोवाइड किए जाएंगे, काफ़ी कमेंट्स आए थे, वीडियो कब बनाओगे स्टेट वाइज काउंसलिंग की? देखो ये मैसेज काफ़ी आ रहे हैं, वीडियो स्टेट वाइज काउंसलिंग, देखो स्टेट वाइज काउंसलिंग में थोड़ा टाइम लगता है वीडियो बनाने में, होप करता हूँ कल तक मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि यार सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं स्टेट वाइज काउंसलिंग में, तो मैं आपको जल्दी से प्रोवाइड करूँगा, आप उसके लिए वेट करिए थोड़ा सा, बस कल तक मैं देखता हूँ कल हो जाएगा, होप करते हैं कल आपको वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट है अभिषेक राणा ने पूछा है, 87% OBC कैटेगरी स्टेट MP डोमिसाइल SGST IT इंदौर, देखो मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा इन उड़ीसा झारखंड एंड छत्तीसगढ़, ओके इनकी लिस्ट बना देंगे। नेक्स्ट है, आई डू बिलोंग टू SC कैटेगरी एंड माई JEE मेंस रैंक इज 33,000 विल गेट एनी कॉलेज इजीली और नॉट,
मिल जाएगा यार कॉलेज तो, स्टेट वगैरह बता दे। 34 परसेंटाइल है, कैसे NIT मिलेगा? नहीं मिलेगा ब्रो। आई हैव गॉट 9000 रैंक इन ST कैटेगरी, इन विच कॉलेज वुड आई गेट? स्टेट और बता देना कमेंट सेक्शन में यार, जो भी हो। अतुल कश्यप, सर आई बिलोंग टू SC कैटेगरी दिल्ली JEE मेंस, परसेंटेज 77, 12% 48%, ये तो दिक्कत होगी। PCM आप बता सकते हो मुझे दिल्ली में कौन सा कॉलेज मिल सकता है CS ब्रांच में? यार कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, आप प्राइवेट कॉलेज की देख सकते हैं, मैं बता दूंगा प्राइवेट कॉलेज काफ़ी सारे दिल्ली के आसपास है, नोएडा गाजियाबाद वगैरह में, वहाँ देख सकते हैं। बिहार क्या बनाइए, बिहार का भी कॉलेज बनाएंगे। ओके आलोक रंजन ने पूछा है, सर एक ऐसा वीडियो बनाइए किस किस NIT कॉलेज में कौन सा ब्रांच का बेहतर प्लेसमेंट है। ओके थैंक्स फॉर सजेशन, बनाएंगे। 94 पॉइंट, प्रकाश सूथर ने पूछा है, 94.32% OBC NCL राजस्थान, एनी गुड गवर्नमेंट कॉलेज रिप्लाई प्लीज। मिल जाएगा यार गुड गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, आप जो सा काउंसलिंग पार्टिसिपेट करिए जाए उसकी स्पॉट राउंड में करना, और अभी के लिए और आपको अपनी स्टेट वाइज काउंसलिंग में बैठना है, काफ़ी अच्छे कॉलेज राजस्थान में मिल जाएंगे आपको। देन विनय जानवी, 87.345, 33% और करंट CRL रैंक है 145,000, OBC रैंक 44,000, होम स्टेट आंध्र प्रदेश। देखो आंध्र प्रदेश की मैं वीडियो बनाऊंगा जब आपको बता दूंगा सारे कॉलेजेस, क्योंकि उसमें परसेंटाइल वाइज ही बताऊंगा आपको कौन कौन से परसेंटाइल वाइज कॉलेजेस लेने। नेक्स्ट है कस्तूरा कस्तूरी का एम, सर MP वाले कॉलेजेस का वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है फॉर अदर स्टेट स्पेशली ST IS बोल रहे होंगी, तो देखो वेबसाइट ओपन करके देखिए, ट्राई करिए, हो सकता है बिजी जा रही हो, खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। मैंने ओपन करके देखी थी कुछ दिन पहले, हो रही थी। विशु चौधरी है, आई गॉट 75.5% इन JEE मेंस, माई OBC रैंक इज 97,451 एंड आई गॉट 75% इन CBSE क्लास 12th, 75 नेट 75 12th। कैन आई गेट NIT प्लीज रिप्लाई मी, आई डोंट नो वॉट टू डू नेक्स्ट। यार आप ज़्यादा टेंशन ना लें, 75.5% है JEE मेंस पे। स्टेट और बता देना एक बार कमेंट सेक्शन में, आपको इजीली बता दूंगा सारी चीज़ें, बाकी जो लिस्ट प्रोवाइड करूंगा उससे आपको पता चल जाएंगी। नेक्स्ट तरुण वर्मा, सर प्लीज़ सेंड मी योर मोबाइल नंबर। देखो वो तो नहीं मिल सकता, बाकी आप कमेंट करते रहिए, मैं आपको इंडिविजुअली रिप्लाई कर दूंगा। सर सूरज कुमार ने पूछा, सर 92.31% रैंक और EWS कैटेगरी बताइए, स्टेट बिहार बताइए, बिहार की मैं जो बहुत जल्द वीडियो लाने वाला हूँ। सर HP का भी बताओ, हिमाचल प्रदेश की वीडियो जरूर बनाऊंगा यार, मैं कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे हिमाचल प्रदेश के, चिंता मत करो सब सबकी वीडियो बनेगी। रेणु पिन्नी थी, आई गॉट 89.4% एंड आई एम फ्रॉम AP एंड OBC कैंडिडेट, व्हाट कॉलेज कैन आई गेट? माय रैंक इज 11,009,000 ईयर एंड 35,000 OBC रैंक, सो विच कॉलेज कैन आई गेट? और कहाँ के हो, एक मिनट या एक बार स्टेट और बता देना। नेक्स्ट कमेंट है, सर बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए कितना परसेंटाइल चाहिए और 12th का कितना मार्क्स चाहिए? तो 12th का जो है वो शायद 45% है जनरल OBC के लिए, देन आपका 40% SC ST के लिए, तो ये तो आपके स्टेट काउंसलिंग के लिए होता है। परसेंटाइल कितना चाहिए, परसेंटाइल का ऐसे कुछ फिक्स नहीं है, आप बैठ सकते हैं। नेक्स्ट है मेरी परसेंटेज 77.75 है OBC NCL, कौन सा कॉलेज मिलेगा महाराष्ट्र? देखो महाराष्ट्र का मैं बहुत जल्द कॉलेज बताऊंगा, काफ़ी सारे कॉलेज आपको मिल सकते हैं। एक कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है पुणे में, और कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, वो तो शायद मुश्किल मिलेगा, प्राइवेट है वो एक, और भी कई सारे कॉलेज में आपको बता दूंगा, सरदार पटेल भी वहाँ पे। नेक्स्ट कमेंट ब्रो, 88% है और EWS कैटेगरी है जयपुर राजस्थान से, देखो कॉलेज मिल जाएगा इजीली, आप LNM IIT जयपुर देख सकते हैं, बाकी बहुत सारे कॉलेज हैं, मैं आपको बताऊंगा जब लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, मैं बहुत जल्द लिस्ट तैयार कर रहा हूँ यार, आपको मिलेगी जल्दी से, उस लिस्ट में उस वीडियो में आपको सारे कॉलेजेस बताऊंगा। नेक्स्ट है मुस्कान जैन, सर आई गॉट 93.4% जनरल कैटेगरी, कैन आई गेट एडमिशन SG SITS इन होम स्टेट कोटा? डेफिनेटली यू विल गेट एडमिशन इन SG ST SITS, आपको इस कॉलेज में इंदौर में आपका इजीली एडमिशन मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मुस्कान जैन जो भी है। नेक्स्ट है शिवम कुमार, सर 88.99 8.97% माई CRL रैंक इज 12,124,257, कोई अच्छा कॉलेज बताएं CSE के लिए प्लीज़ सर, होम स्टेट बिहार। देखो बिहार में हो CS के लिए अच्छे कॉलेजेस, वीडियो बनाऊंगा उसी में यार, कैटेगरी वाइज बता दूँ, वो आपके ब्रांच वाइज बता दूंगा। सर स्टेट झारखंड OBC NCL 72% बता देंगे यार झारखंड वाले, सर प्लीज़ टेल मी ना, अच्छा इन्हें बताते हैं। सर आई गॉट 74% कास्ट OBC स्टेट आंध्र प्रदेश, टेल मी विच कॉलेज प्लीज़। आंध्र प्रदेश की वीडियो बनाऊंगा यार, क्योंकि 74 है, NIT का चांस तो है नहीं, बाकी मैं वीडियो बना दूंगा। सर मेरा 83.5% OBC कैटेगरी से हूँ और बिहार से बिलोंग करता हूँ, कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? मिल सकता है यार, ज़रूर मिल सकता है, मैं वीडियो बनाऊंगा उससे, ज़रूर देखना।
स्टेट कॉलेजेस की, आकाश की था। सर माय नेम इज आकाश, ओके थैंक्स, आई गॉट 82.82% इन जेई एंड माई कैटेगरी ओ बी सी, माई ए आर दिस एंड दिस एंड कैटेगरी दिस, प्लीज रेप्लाई मी। देखो रेप्लाई क्या, आकाश आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो वो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊंगा जब आप देख लेना। बाई मिस्टेक आई ऑप्टेड फॉर ई डब्ल्यू एस कैटेगरी बट आई हैव नो ई डब्ल्यू सर्टिफिकेट, एक्चुअली माई कैटेगरी इज जनरल, वॉट टू डू नाउ। देखो अगर आपने ई डब्ल्यू एस कैटेगरी में अप्लाई किया आपका ई डब्ल्यू एस नहीं है तो आपको काउंसलिंग में दोबारा अप्लाई करना होगा। आप उसमें जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको जनरली अप्लाई करना पड़ेगा यार, क्योंकि बिना ई डब्ल्यू एस के आप जनरली करना, बिना ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट के आप ई डब्ल्यू एस फिल ना करें, उससे बाद में बहुत परेशानी आएगी। आप जनरल कर देना फिल, कोई टेंशन नहीं होगी ज़्यादा। नेक्स्ट है सेम कमेंट, देन रोशन कुमार जनरल रैंक बता रखे उन्होंने अपनी ओबीसी रैंक, कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं, होम स्टेट झारखंड जरूर मिलेगा, लाइक बिट सिंदरी मिल सकता है यार, मेसरा भी मिल सकता है और बाकी मैं और भी कॉलेज बताऊंगा आपके झारखंड में। नेक्स्ट स्वाति गुप्ता, सर मेरा जेई मेंस परसेंटाइल 87.03, जनरल कैटेगरी सीआरएल बता रखी है। सर क्या मैं जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ यार, जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, जोसा काउंसलिंग में एनर्जी ट्रिपलाइटिस फिल करिए। देखो उनका मेथड बताए तो मैं आपको कैसे फिल करने हैं, हायर से लोअर ब्रांचेस चलनी है, सारी ब्रांचेस मोस्टली फिल करनी है आपको, कोई ब्रांच नहीं छोड़नी। अभिषेक परिहार, वन वीडियो ऑन यूपी गवर्नमेंट कॉलेज प्लीज़, ओके मैंने प्रोवाइड भी कर रखी है, दोबारा बना दूंगा एक और, बट इट्स रिटर्न नो व्यूज़ हेयर, या आपस का कोई कमेंट था इनका फर्स्ट व्यू तो इसने लिखा था फर्स्ट व्यू, देन उन्होंने लिखा। हिमांशु वैद, सर मेरे परसेंटाइल 84 एंड एससी रैंक, दिस सजेस्ट मी यार, एक बार स्टेट बताना। आलू का कविता, सर आई गॉट इन जे मीन्स ये परसेंटाइल एंड इंटर मार्क्स 81 पर, मैं ये एक्सपेक्ट है नहीं यार, एक्सपेक्ट कर सकते हो और स्टेट बताओ यार अपनी स्टेट में देखना कॉलेज NIT। सर शुड आई गो फॉर जोसा काउंसलिंग आई वो सी 91.6, यार डेफिनेटली आप जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो 91.6। सर दिल्ली स्टेट पर वीडियो बनाना, ओके बना देंगे, एक बने बनाई भी थी आपने नहीं देखी देख सकते हो। सर आई गॉट 43% जेई, कैन आई गॉट गवर्नमेंट कॉलेज उड़ीसा, यार गवर्नमेंट कॉलेज मुश्किल है लेकिन जिनकी रेटिंग्स वगैरह मतलब प्लेसमेंट वगैरह बहुत अच्छी नहीं होती आपको मिल सकते हैं, मैं बना दूंगा वीडियो उसमें ही बताऊंगा। नेक्स्ट सर आई हैव गॉट 81.2% मेंस एससी कैटेगरी, ये सारी आई फ्रॉम जयपुर राजस्थान, ओके राजस्थान की वीडियो में बना दूंगा, नेक्स्ट महाराष्ट्र का है उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा। प्लीज़ सर बताएं, क्या बताएं, देखो कमेंट कर देना दोबारा, इन्होंने हो सके पहले कभी कमेंट किया हो तो कमेंट करके बता देना, पता नहीं मुझे आप क्या पूछ रहे हैं। आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड बिलोंग टू एससी कैटेगरी 83.09% दिस रैंक, कैन आई गेट एनी NIT GFTI, एक एससी कैटेगरी हो यार एक बार स्टेट बता दे, आंध्र प्रदेश ट्राई कर सकते हो, NIT AP आपको मिल सकता है, NIT आंध्र प्रदेश। सर मध्य प्रदेश स्टेट के लिए वीडियो बनाओ जल्दी प्लीज़, ओके जल्दी बनाई जाएगी, हो सकता है कल तक आपको वीडियो मिल जाए स्टेट वाइज कॉलेजेस की। नेक्स्ट कमेंट इस यार रैंक ये बिहार होम स्टेट बनाएंगे यार बिहार की। सर मेरा 60% है MHECET में, मेरे को कौन सी कॉलेज मिलेगी यार इसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ये महाराष्ट्र का जो एग्ज़ाम होता है MHECET इसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सर प्लीज़ रिप्लाई 85% ST रैंक विच इज़ बेस्ट, एक बार स्टेट और बताओ यार। वॉट विल बी द फीस फॉर स्टूडेंट नॉट गेटिंग कंसेशन स्कॉलरशिप, अब फीस क्या होगी, ये VIT वेलर वाली वीडियो पर कमेंट आया तो VIT के लिए फीस पूछ रहे हैं यार, 15-16 lakh बैठ जाएगी आपकी 4 years की, थोड़ी ज़्यादा भी बैठ सकती है कम भी बैठ सकती है, लेकिन फिर 14-16 ऐसी बैठेगी 4 years की अगर आप हॉस्टल वगैरह सारी चीज़ें लेते हो। आकाश कुमार, सर MP से हूँ तो क्या मैं अदर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भर सकता हूँ? या बिल्कुल भर सकते हो, क्या जोसा काउंसलिंग में, प्लीज़ जोसा काउंसलिंग में भी भर सकते हो, परसेंटाइल बता देना अपनी। 85% नंबर है, मैं कौन कौन से कॉलेज में करूँ प्लीज़ रिप्लाई यार, स्टेट बताओ जब बताऊँगा, जोसा काउंसलिंग में भी बैठ सकते हो आप। सर प्लीज़ मेकअप प्रेफरेंस लिस्ट बनाऊँगा यार जल्दी से, बहुत कमेंट्स आ रहे हैं आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के लिए, ये सेम कमेंट है। आई शेयर एंड गिव आंसर यार 57% बस, क्या मैं जोसा काउंसलिंग में बैठूं या नहीं यार, OBC 57% यार, मैं कहूँगा नहीं बैठो, बिल्कुल मत बैठो, स्टेट कॉलेजेस लेना मैं बताऊँगा उसमें। आई गेट परसेंट 95.92 बोर्ड का यार कम रह गया 52, आई वॉज एन SC कास्ट 65 चलाने थे यार, I1 कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एडमिशन इज पॉसिबल, यस पॉसिबल है यार, आपको महाराष्ट्र के कॉलेजेस लेने वो आपको मिल जाएंगे, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे ले सकते हो, कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुणे में उसे ले सकते हो, बहुत सारे कॉलेज मैं बताऊंगा। परसेंटाइल 29 यार कुछ नहीं हो सकता, प्राइवेट कॉलेज ले लो। आई गॉट 97.56% इन जेई मेंस OBC कैटेगरी विच NIT कॉलेज आई गेट, सर स्टेट बताओ इजीली मिल जाएगा NIT अगर आपको स्टेट के अकॉर्डिंग मिल जाएगा होम स्टेट कोटा से, प्लीज़ टेल मी अबाउट जेई मेंस का टॉप मार्क्स शीट्स ऑफ NIT कॉलेज इन तेलुगु लैंग्वेज, तेलुगु में तो पॉसिबल नहीं यार, इंग्लिश में बता दूंगा समझ जाओगे आप। सर मुझे 86% मिले हैं, मेरी स्टेट राजस्थान है, क्या मुझे NIT और
और क्या लिखा है, जस्ट मिल सकता है, मिल सकता है यार स्टेट राजस्थान, NIT ट्राई करो, बाकी स्पॉट राउंड में देखना, फिर ना मिले तो बाकी स्टेट कॉलेजेस हैं, कुछ जा थोड़े ना रहा है। आई एम फ्रॉम तेलंगाना, 97.56%। हाँ यार NIT के लिए ट्राई करो, मिल जाएगा। JEE 82% SC बिहार से हूँ, NIT AAT आप फिल कीजिए यार, बाकी SC कैटेगरी से बिहार से आपको मिल जाएगा यार। IIIT भागलपुर की काफ़ी कम कट ऑफ जाती है, और आप NIT पटना फिल करिए, बाकी देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट टाइम आई सेंस मीन 92%, कैन यू सजेस्ट विच ब्रांच एंड वेयर, स्टेट बता देना एक बार भाई। बिहार का गवर्नमेंट कॉलेज पे बनाए, ओके जरूर बनाएंगे भाई। यस सर प्लीज़, चैप्टर वाइज वीडियो बना, चैप्टर वाइज, अच्छा क्लास 12 की वीडियो पे आया यार कमेंट, ओके बना देंगे चैप्टर वाइज वीडियो सारे चैप्टर्स की। नॉट मैंशनड EWS कैटेगरी, यार मैंशन इसलिए नहीं की थी EWS कैटेगरी, क्योंकि लास्ट ईयर थी नहीं, इस साल आई है, तो ऐसा कुछ खास अंदाजा नहीं है। लेकिन आप मुझसे कमेंट सेक्शन पूछ लेना, मैं इंडिविजुअली बता दूंगा, आपका जनरल OBC के बीच में रहने वाली है। नेक्स्ट है 90.22% आए उत्तर प्रदेश से हूँ, या बाकी सब कमेंट्स आप पूछ रहे हो महाराष्ट्र UP, मैं आपकी कॉलेजेस बताऊंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएंगे सारी चीज़ें, तो कुछ नहीं है। लक्ष्य प्रताप ने पूछा 92.22% उत्तर प्रदेश, 12% 50,000, ये दिक्कत। आप स्टेट काउंसिल में बैठिए, AK2 का एग्जाम दिया तो बता देना, बाकी और स्टेट्स की काउंसिल में बैठिए। नेक्स्ट कमेंट है सर आई वॉन्ट कॉलेज महाराष्ट्र, माई परसेंटेज 67, ओके मैं बना दूंगा यार महाराष्ट्र की। तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स लिए थे यार आज भी मैंने कवर किए थे, और कुछ रह गए हैं मुझे पता है, तो मैं उनके रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा या फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा जल्दी से जल्द। अगर आपको यार ऐसी वीडियोस पसंद आ रही हो Q&A की क्वेरीज़ की, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आगे भी ऐसी वीडियो चाहिए हो, या इस वीडियो को शेयर करो यार सारे स्टूडेंट्स में पहुँचे Q&A वाली वीडियो, और लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार नए आए तो, मैं सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। और बहुत जल्द मैं या तो पॉसिबल हो कल या परसों यार स्टेट वाइज काउंसलिंग की सारे कॉलेजेस बताऊंगा आपके, आपके परसेंटाइल वाइज कॉलेजेस दूंगा यार आपको, उसमें गवर्नमेंट कॉलेज होंगे, स्टेट गवर्नमेंट, देन आपके कुछ प्राइवेट कॉलेजेस होंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है यार। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलते हैं यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।